मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, गणित कक्षा 10 की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर चल रहा है। इसकी प्रश्नावली 4.4 है, इसका सेकंड वीडियो है। आप पिछले वीडियो जा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं जाके, या आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो प्रश्नावली 4.4 है, इसका इस प्रश्नावली के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें यहाँ थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, इन तीन क्वेश्चंस को यहाँ पर आज सॉल्व करना है। तो एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे उनको, वन बाई वन करके देखते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपने स्क्रीन शॉट पर देखिए, यहाँ हम इसको एक एक करके लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले उन्होंने कहा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, यानी एक बाग लगानी है समझ लीजिए आम की, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। चौड़ाई अगर एक्स है तो लंबाई 2x हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, आइए शुरू करते हैं। देखिए उसने कहा कि एक बाग है, तो यानी हमको क्या लगाना है, चौकोर आयताकार एक बाग का निर्माण करना है, जिसकी हमने माना कि चौड़ाई एक्स है तो लंबाई कितनी हो गई, 2x हो गई। अब इसी को तो भाषा में लिखना है, तो माना चौड़ाई बराबर एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लंबाई इक्वल टू 2x आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको देखना है। अब देखते हैं क्या है, उसने कहा कि क्षेत्रफल इसका, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल में क्या आएगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए इस जगह पर आप, हमारे पास लंबाई कितनी है, 2x है, हमारे पास जो लंबाई है वो 2x है, और प्लस चौड़ाई और मल्टीप्लाइड कितनी, चौड़ाई जो है एक्स है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि लंबाई और चौड़ाई हमें कितनी मिली है, उसी प्रकार तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो क्षेत्रफल हमको दिया गया है वो कितना दिया गया है, क्षेत्रफल जो हमको दिया गया है वो दिया गया है 800 मीटर, और जो हमने इधर लिखा है वो लिखा है एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2x। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, ये चीज़ हमको यहाँ पर मिल जाएगी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 400। अब देखिए जब यहाँ पर 400 मिल गया तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू आपके पास क्या मिला, रूट के अंदर 400। अब 400 के आप गुणनखंड कर लेंगे, जब 400 के आप गुणनखंड करोगे तो यहाँ 200, इसका वर्गमूल निकालना है आपको, मान लीजिए तो आप चाहे 100 फिर 50, फिर 50 को 25 और 25 को फिर से करेंगे आप तो क्या मिलेगा, 5। यानी यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 2 मिला और यहाँ से 5 मिला, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी क्या मिलेगा आपको, कंप्लीट 20, यानी प्लस माइनस का जो है यहाँ आपको 20 मिल जाएगा, यानी एक्स के मान 2 आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मान मिले, एक प्लस का मिला एक माइनस का मिला, तो जो माइनस 20 है ये हमें कंसीडर नहीं करना है, यानी इसे हमें कंसीडर नहीं करना है।
यानी हमें सिर्फ प्लस का मान कंसीडर करना है, क्योंकि चौड़ाई लंबाई प्लस में ही होती है, माइनस में नहीं होती। तो यानी फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 जो है मीटर। ये चीज़ हमारी यहाँ पर मान हो जाएगा। इसको हमने किसके बराबर माना था, ये हमारी क्या हो जाएगी, हमने इसको चौड़ाई कहा था। आपको याद है कि इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया था, उसको हमने एक्स कहा था, ये 2x कहा था। तो यहाँ पर अब बात आती है लंबाई की, तो लंबाई क्या हमने माना था, 2x माना था। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 40 मीटर मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल जो आपका है, देखिए यहाँ पर, तो अगले सवाल में जो कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, एक अगली स्थिति वो बता रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, फोर्थ में, यदि है तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी तो उसकी वर्तमान आयु हमें यहाँ ज्ञात करनी है। क्या है, दो मित्रों की आयु का योग, यानी कोई दो मित्र हैं जिसकी आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु यानी जो वर्षों में है, क्या गुणनफल क्या है, 48 है। मान लीजिए कोई एक एक्स है और एक वाई है, दोनों को मित्रों की आयु जोड़ देते हैं तो 20 हो जाती है। अब उसने कहा कि अगर उन दोनों 4 वर्ष पूर्व, मतलब दोनों की उम्र में 4-4 हमको घटाना होगा और क्या करना होगा, 4-4 माइनस करना होगा, यह चीज़ तो करनी होगी, तो जो मिलेगा गुणा करने पर वो 48 हमें मिल जाएगा। कुछ ऐसा इन्होंने बताया है। तो पहली वाली समीकरण से हम y का मान निकाल सकते हैं और दूसरी वाली में उठा के रख सकते हैं और फिर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब सीधा ये है कि अगर हम इससे समीकरण बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या है, एक मित्र की आयु हम लिखेंगे यहाँ पर, एक मित्र की आयु बराबर हमने माना x, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या होगी, 20 है दोनों को जोड़ने पर, तो 20 माइनस एक्स हो जाएगी। ये चीज़ हो गई यहाँ पर। देखिए अब उसने कहा कि 4 वर्ष पूर्व जो कंडीशन हमको दी गई है, 4 वर्ष पूर्व, ठीक, 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो एक की क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 4 हो जाएगी, जो पहला वाला है उसकी एक्स माइनस 4 हो जाएगी, और जो दूसरा वाला है, जो दूसरा मित्र है, दूसरे मित्र की जो आयु हो जाएगी 4 वर्ष पूर्व, वो 20 माइनस एक्स थी, अब इसमें 4 और घटा दो, यानी क्या बनेगा, 16 माइनस एक्स यहाँ पर वर्ष बन जाएगी, ये क्या हो जाएगा वर्ष। अब उसने क्या कहा, जो हमें प्रश्न दिया गया है, उसने कहा कि इन दोनों की अगर हम आयु का गुणनफल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इन दोनों की आयु का गुणनफल कर देते हैं तो हमें 48 मिलता है। देखिए ये समीकरण आपकी यहाँ पर बन जाती है। जब ये समीकरण आपकी यहाँ पर बन जाएगी तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। देखिए जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 16 एक्स माइनस 16 चक्कू 64 माइनस का 64 मिल जाएगा, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस का 4x मिलेगा इक्वल टू 48 मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब सबको सॉल्व कर लेना है। अब जैसे ही आप सबको प्लस माइनस करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर 48 को भी इधर ही आप ले आइए, तो 48 को इधर ले आएंगे तो 64 में ये ऐड हो जाएगा जाके। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं, यह सबसे पहले क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ जो आपको मिलेगा वो क्या मिल रहा है,
माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है माइनस का 20x है, उसके बाद है माइनस 64 और माइनस 48, यानी एक ही तरफ हम सब चीज़ें लेकर आ गए हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, माइनस का तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का 20 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 112 हो जाएगा। अब आप माइनस से पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 20 मिल जाएगा ये, और यहाँ प्लस का 120 मिल जाएगा। अब वही चीज़ करनी है हमको, यहाँ पर अब हम सबसे पहले ए का मान निकालेंगे, तो ए का जो मान आएगा वो 1 आएगा, बी का जो मान आएगा वो 20 आएगा, और सी का जो मान आएगा 112 आएगा। ये मान आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये जब मान आपको मिल जाएंगे तो इन मानों का आप क्या करेंगे, इसमें आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप ये इस तरीके से लिखते हैं, अब इसका मान देखेंगे कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमें मिलेगा उसका मान कितना आएगा, देखिए v में कितना है 20 है, स्क्वायर माइनस 4ac 112। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मिलेगा 400 और यहाँ मिलेगा आपको 448। अब यहाँ जब आप फाइनली आंसर निकालोगे तो क्या मिलेगा माइनस का 48 मिलेगा। अब आप देखिए जो मान आपको मिला है वो क्या मिला है, माइनस का मिला है, यानी ये क्या हो गया जीरो से छोटा हो गया, यानी जो बी स्क्वायर हमें मिला है माइनस 4ac जो हमने फाइंड आउट कर पाए हैं वो हमें क्या मिला है लेस देन जीरो मिला। जब लेस देन जीरो मिलता है उस स्थिति में क्या होता है, आप जानते हैं कि इसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं होते, यानी इस समीकरण का वास्तविक जो है वास्तविक जो मूल होगा वो नहीं होगा, यानी वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। इसलिए इस प्रकार का कोई भी जो कंडीशन है हमारी वो संभव नहीं होगी। उसने क्या कहा था कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु की गणना कीजिए, क्या ये निम्न स्थिति संभव है, तो क्या हो जाएगा नहीं, ऐसी कोई स्थिति संभव नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे। अब इसके बाद का अगला फॉर्मूला, अगला सूत्र देखते हैं सवाल। देखिए अगले सवाल में क्या है, फिर से कंडीशन दी गई है, उसने कंडीशन दी है आपको, इस कंडीशन को हमें समझना है क्या परिमाप, परिमाप आप जानते हैं 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल उसी का 400 मीटर है, एक पार्क को बनाना संभव है, यानी कोई पार्क है इस तरीके से मान लीजिए जिसका परिमाप 80 है और क्षेत्रफल उसका जो है वो कितना है 400 है मीटर वर्ग है। अब बता रहे हैं कि क्या ऐसा कोई, हमें लंबाई और चौड़ाई इसकी ज्ञात करिए तो क्या ऐसा कुछ हमें मिलेगा। तो चलिए सूत्र बनाते हैं इसकी समीकरण और देखते हैं कि क्या यह संभव हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पार्क की लंबाई हमने क्या किया एक्स मान लिया, जैसे ही एक्स माना तो हमें जो चौड़ाई मिलेगी उसे हमें निकालना होगा, तो परिमाप हमें एक चीज़ मानी है तो हम इसका अब परिमाप हमें दिया गया है, परिमाप बराबर क्या दिया गया है 80 मीटर दिया गया है, इसे हमें याद रखना है। देखिए अब सूत्र हमारा क्या बनता है परिमाप का, तो परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, यही तो बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप सबका मान
रख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ मान रखोगे तो 2 गुणे आप x की जगह पर रख दीजिए, प्लस चौड़ाई आपको निकालनी है, तो ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि आपने लंबाई को माना है, आपने लंबाई को x माना है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलेंगी उनको हम, आपने लंबाई x मान लिया है तो हमने लंबाई की जगह पर इसे रख दिया है। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से चौड़ाई निकाल लेंगे। एक चीज़ माननी थी, आप चाहे लंबाई मान लेते या चौड़ाई मान लेते, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ क्या है, अब आपके पास x मिलेगा और प्लस चौड़ाई होगी इस जगह पर, बराबर 80 होगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। अब यहाँ पर चौड़ाई जब आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी चौड़ाई आपके पास 40 माइनस एक्स हो गई। अब उसने क्या कहा कि आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे। अब यहाँ पर उस पार्क का हम क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, इसमें क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगी, ये चीज़ होगी। अब हमने एक एक चीज़ जो मानी है उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए लंबाई जो हमारे पास है वो हमने एक्स माना है, चौड़ाई अभी हमने निकाली है, 40 माइनस एक्स निकाला है, और जो उसने दिया है वो कितना दिया है, 400, यही चीज़ तो दी है हमको, रख दिया हमने, सॉल्व किया, तो 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, ये चीज़ हमको यहाँ पर मिली। सबको एक तरफ ले आते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 400x माइनस का 400 इक्वल टू 0, ये चीज़ यहाँ पर निकल कर सामने आ जाती है। अब आप समझिए कि हमें क्या करना है। अब इसको जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझिए तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको समीकरण, एक तो x स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 40x मिलेगा और प्लस का 400 मिलेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी समीकरण कुछ। अब इसकी हम तुलना कर देंगे, देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, यहाँ क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे तुलना करनी है। तो ए इक्वल टू आपको 1 मिला, बी इक्वल टू आपको माइनस का 40 मिला, सी इक्वल टू आपको 400 मिला, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब इसका मान आप निकालेंगे, इसका मान जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे ही आप यहाँ पर मान रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 40 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 400, ये चीज़ आप सॉल्व करोगे तो यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 1600 माइनस 1600, यानी आंसर आ जाएगा 0। यानी यहाँ पर दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, यानी बी बराबर आपको क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपको 0 मिल जा रहा है। देखिए ये चीज़ यहाँ पर मिल जा रही है। अब आपके पास जो समीकरण है उसमें आप इसका मान निकालेंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको माइनस बी मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 40 का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 0 रखेंगे आप और यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x इक्वल टू मिलेगा आपको यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा, और जब आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 20। तो यहाँ x इक्वल टू आंसर मिला 20 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो आपने लंबाई कितनी मानी थी,
आपने लंबाई तो मानी थी एक्स, तो चौड़ाई जो थी आपकी जो निकल के आई थी वो क्या थी, 40 माइनस एक्स था, 40 माइनस एक्स था, तो उस स्थिति में आपने क्या निकाला, चौड़ाई बराबर जो है 40 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर 20 जो है हमारा मीटर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो ये सवाल है इस प्रकार समाप्त होकर हमारी एक्सरसाइज 4.4 समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हमने आज द्विघात समीकरण पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप सारे वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों से कह सकते हैं कि पढ़ें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें हमारे इस वीडियो में, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको पता चलता रहे। आप मिलते हैं अगले चैप्टर में, इसमें फिफ्थ चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, यानी सेशन 2021 में नहीं है, कोविड-19 की वजह से हटा दिया गया है, यानी उसके बाद वाला जो चैप्टर सिलेबस में है वो हम पढ़ेंगे, जो सिलेबस में है इस साल वही पढ़ेंगे, जो एक्स्ट्रा है वो नहीं पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।